मूसेवाला को मारने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार। इनमें से 4 थे शूटर जिन्होंने मूसेवाला पर की थी गोलियों की बौछार। एक ने की थी रेकी, एक बना नकली फैन। मूसेवाला की मर्डर मिस्ट्री हुई डीकोड। जी, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में एसआईटी ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 शूटरों की पहचान भी कर ली गई है जिन्होंने मूसेवाला पर गोलियां चलाई थी। एक एक कर आपको इन सभी के नाम बताते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ अहम खुलासे भी जान लीजिए। पकड़े गए इन सभी लोगों पर आरोप है कि इन्होंने न सिर्फ मूसेवाला की रेकी की थी बल्कि लॉजिस्टिक्स मदद भी उपलब्ध करवाई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि मूसेवाला के साथ प्रशंसक बनकर सेल्फी लेने वाले केकड़ा ने ही शूटर्स को मूसेवाला की सभी जानकारियां दी थी। आपको बता दें, मानसा जिला अदालत ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए मनप्रीत मना और संदीप केकड़ा को 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है। जिन 8 आरोपियों को मूसेवाला की हत्या के मामले में एसआईटी ने गिरफ्तार किया है, उनके नाम है संदीप उर्फ केकड़ा जो कि सिरसा का रहने वाला है, भटिंडा का मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू, फरीदकोट का मनप्रीत भाऊ, अमृतसर का शरद मिंटू, हरियाणा का प्रभुदीप सिद्धू उर्फ पब्बी, रेवाड़ी का मोनू डागर, फतेहाबाद का पवन बिश्नोई और फतेहाबाद का ही नसीब। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की भूमिका के बारे में बताते हुए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के एडीजीपी प्रमोद बान ने कहा कि संदीप उर्फ केकड़ा ने गोल्डी बरार और सचिन थापन उर्फ सचिन बिश्नोई के निर्देश पर खुद को सिद्धू मूसेवाला का फैन बताकर गायक की गतिविधियों पर नजर रखी थी। उन्होंने बताया कि हत्या से कुछ देर पहले जब सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकल रहे थे तो केकड़ा ने ही गायक के साथ सेल्फी भी ली थी। केकड़ा ने शूटरों और विदेश में बैठे हैंडलर को सभी इनपुट साझा किए थे, जैसे कि गायक के साथ उसके सुरक्षा कर्मी नहीं है, कितने लोग उसके साथ हैं, गाड़ी की जानकारी और वो बिना बुलेट प्रूफ कार महिंद्रा थार से आ रहा है। बान ने यह भी बताया कि मनप्रीत मन्ना ने मनप्रीत भाऊ को एक टोयोटा कोरोला कार दी थी। उसके बाद यह कार सरज मिंटू के निर्देश पर 2 लोगों को दी गई जिन पर शूटर होने का संदेह है। सरज गोल्डी बरार और सचिन थापन का करीबी है। वहीं 5वें आरोपी प्रभदीप सिद्धू उर्फ पब्बी ने जनवरी 2022 में हरियाणा से आए गोल्डी बरार के 2 साथियों को पनाह दी थी और उनके जरिए सिद्धू मूसेवाला के घर और आसपास के इलाकों की रेकी भी की थी। मोनू डागर ने गोल्डी बरार के निर्देश पर इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 2 शूटर मुहैया कराए और शूटरों की टीम को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि पवन बिश्नोई और नसीब ने शूटरों को बोलेरो कार दी थी और उन्हें छिपने का ठिकाना भी मुहैया कराया था। फिलहाल आईजीपी जसकरण सिंह के नेतृत्व में एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है और पहचान किए गए शूटरों और अपराध में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस गोल्डी बरार का नाम इन सब में सामने आ रहा है, जिस लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम इन सब में सामने आ रहा है, इस साजिश में सामने आ रहा है, क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी या फिर नहीं? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो दिल्ली के तिहाड़ जेल के सेल नंबर 8 में कैद है, जो साफ तौर पर कह चुका है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के ही निर्देश पर मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वहीं कनाडा में बैठे गोल्डी बरार के निर्देश पर ये सारी चीजें हुई हैं और वो भी इसमें शामिल है। क्या पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम कनाडा जाकर गोल्डी बरार को गिरफ्तार कर पाएगी? क्योंकि गोल्डी बरार का नाम सीधे सीधे इसमें जुड़ रहा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई टीम ऐसी जाएगी जो गोल्डी बरार को गिरफ्तार करके लेकर आएगी। इसलिए सवाल यही है कि क्या इस मूसेवाला हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में पंजाब पुलिस कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना उत्तर प्रदेश। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ सबसे पहले खबरों के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल न भूलें। साथ ही खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। साथ ही साथ इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।